अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम हम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल जी एस के टी वी पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे नाजरीन कराम आज की वीडियो में हम नई आने वाली तारीखी सीरीज याहू सुल्तान सलीम के बारे में बात करेंगे याहू सुल्तान सलीम सीरीज भी तुर्क सीरीज की दौड़ में शिरकत करने के लिए क्या तैयार है ये सीरीज शायक के लिए कब पेश की जाएगी क्या इस सीरीज की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है इस अजीम सीरीज की कास्ट में कौन कौन से अहम नाम शामिल है क्या इस सिलसिले की जलकियाँ भी पेश की गई सीरीज में कौन से मशहूर तुर्क अदाकार नजर आएंगे ये सीरीज शाइकिंग की किस बड़ी मांग का नतीजा है सीरीज में हीरोइन का किरदार कौन अदा करेगा क्या ये सीरीज दिलिश अल में दो मशहूर किरदारों बासी साहब और बे के किरदारों को पेश करके पूरी रोशनी हासिल करेगी सीरीज के कितने सीजन होंगे और कहानी पर भी नज़र डालेंगे इसके अलावा और बहुत सी अहम मालूम आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे तो इसलिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल जी एस के टी वी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तारीखी सीरीज याहू सुल्तान सलीम की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम बर वक्त मिलते रहे नजर किस तरह तुर्क सीरीज ने बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली ये हैरत की बात नहीं है इस तारीखी सीरीज को शायक की जानिब से खूब पजेराई मिली लेकिन तुर्क सीरीज दिलत से शुरू होने वाला ये रुझान हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ रहा है तारीखी सीरीज ने शायक को पूरी तरह महसूर कर दिया बिलाशिबा दिलेश अतरल सीरीज को ख़त्म हुए कुछ अरसा हुआ है और इसके बाद कई शानदार तारीखी सीरीज ने शायक को महसूर कर दिया लेकिन वो फिर भी दिलेश अतरल के किरदार को नहीं भूल सकते यही वजह है इन किरदारों की मकबूलियत और मदाओं की डिमांड इन अदाकारों को तारीखी किरदारों के रूप में दोबारा पर्दे पर लाया जा रहा है जिसे शायक बहुत पसंद करते हैं अतरल के बाद दिलेश अतरल का एक और बड़ा मकबूल किरदार तुरगुत वे है जिसे मद्दाहों की बेपना मोहब्बत को जाँचते हुए उन्हें एक बार फिर तारीखी के, के रूप में स्क्रीन पर दिखाने का फैसला किया गया चंगेज जोशकन इससे कबल में लाजग्रीद एक हज़ार इकहत्तर में सुल्तान अल सलाम का किरदार अदा कर चुके हैं जो साइकिन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे अब एक बड़ी खबर फैल गई है कि चंगेज जोशकन को एक नए सीरीज याहू सुल्तान में मरकजी किरदार के तौर पर कास्ट किया गया है यानी वो सुल्तान याहू सलीम की जिंदगी पर मबनी सीरीज में सुल्तान का किरदार अदा करेंगे इन खबरों ने शायक के दिलों में छुपे जज्बात को जगा दिया याऊ सुल्तान सलीम की जिंदगी पर मबनी यह सीरीज सल्तनत सल्तनतिया की तारीख का एक और शाहकार होगा लेकिन इस सीरीज में शायक की दिलचस्पी की बुनियादी वजह चंगेज जोशकन है नजरिन कराम उस्मानी तारीख पर मबनी सीरीज हमेशा सबको दीवाना बनाने में कामयाब रहे है चंगेज जोशकन जिसने अल सलाम के किरदार में सबके दिल जीत लिए बहसीत सुल्तान इसमें कोई शक नहीं कि वो किस तरह सबको अपना वसी बनाएगा शायकीन की नजरें अब इस सीरीज पर लगी हुई है और ये एक अजीम तारीखी सिलसिले में वो सिलसिला है जिसका आगाज से पहले खूब चर्चा है और शायकीन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिस दिन से इस सीरीज पर काम करने और चंगे जोशकन की शमूलियत का ऐलान किया गया था शायकीन इस सीरीज की खबरों पर गहरी नजर रखे हुए है लेकिन हैरान बात यह है कि सीरीज की मनसूबा बंदी काफी अरसे से जारी है लेकिन शायकीन उन्हें स्क्रीन पर देखने से महरूम है दर हकीकत उसका काम रोक दिया गया था सीरीज की कास्ट की बात करें तो इस पर भी ज्यादा काम नहीं हो सका अब तक सीरियल के हीरो सुल्तान याहू सलीम के किरदार के लिए सिर्फ चंगेज जोशकन को कास्ट किया गया और हीरोइन के तौर पर हजल फेलिस का नाम सामने आया जो सुल्तान याहू सलीम की अहलिया मलका हफ् सुल्तान का किरदार अदा करेंगी इससे कमल वो महम्मद बन फतिया में मलिकी के किरदार में नजर आई थी चंगेज जोशकन और हजल फेलिस के बाद कास्ट में कोई खास तरक्की नहीं हुई हाँ लेकिन ये खबरें जरूर गर्दिश कर रही थी कि दिलेश अतर सीरीज में बामसी बे का किरदार अदा करने वाले नूरुद्दीन उद्दीन सोमी सीरीज का हिस्सा बन गए हैं और ये कि वो विलन का किरदार अदा करेगा तहम सीरीज की टीम की जानब से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया नूरुद्दीन उद्दीन सोमीज इन अफवाहों को गर्दिश करने के लिए बाबा तौर पर इन झलकियों से मुंसलिक है जिसमें चंगेज जोशकन और नूरुद्दीन सोमीज को वारियर कहाँ जा रहा है इस सारी कहानी की असल हकीकत क्या है इतफ़ाक से नूरुद्दीन सोमी सीरीज की कास्ट का हिस्सा है और चंगेज जोशकन के मुकाबले नजर आएंगे इन सवाल ने मद्दाहों को उलझन में डाल दिया है ने कराम इस सीरीज के कितने सीजन होंगे और शूटिंग का क्या होगा इस बारे में तफसी आपसे शेयर करेंगे आपके जहन में मौजूदा उलझन को दूर करे इसमें कोई शक नहीं के चंगेज जोशकन और नुरुदी सोमिस की जोड़ी स्क्रीन को तबाह कर सकती है लेकिन जो जलकिया इस सीरीज से मंसूब की जा रही है उसका इस सीरीज से कोई ताल्लुक नहीं दर हकीकत पाकिस्तान में दर्लेस अतरल सीरीज की मकबूलियत के बाद इस सीरीज के कई अदाकार पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ काम करते नजर आए और फिर चंगेज जोशकन और नुरुदीन सोमीज ने चुनेद जमशेद के इश्ति में काम किया जिस पर मुख्त खबरें आने लगी कि ये याऊस सुल्तान की जलकिया है ऐसा कहने की वजह यह थी कि इन दोनों को इन जलकियों में जंगजू के किरदार में दिखाया गया था नजरिया कराम लेकिन याद रखे कि इन जलकियों का सुल्तान याऊस सलीम से कोई ताल्लुक नहीं है इसकी वजह यह है कि इस वक्त सीरीज की शूटिंग के मुसलसल का शिकार है सबसे पहले वबा की वजह से शूटिंग में बताया गया है कि इस की सीरीज की शूटिंग अमासिया शहर में की जाएगी ये सुल्तान सलीम के पैदाइश का शहर है जहाँ से शूटिंग शुरू होगी लेकिन अफसोसनाक बात यह है ये शूटिंग किसी खास मरहले में दाखिल न हो सकी इससे पहले यह तजवीज किया जा रहा था कि ये सीरीज 2022 के आखिर में स्क्रीनों पर आएगी जबकि चंगेज जोश्न के साथ काम किया था क्योंकि वो मलाजगीत एक हज़ार के प्रोड्यूसर भी थे जिसमे सुल्तान अलफा का किरदार जंगेज जोशकन ने अदा किया था इस सीरीज की कहानी पर भी आएंगे लेकिन पहले बात करते हैं कि इस सीरीज के कितने सीजन होंगे नजरिन कराम अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक होंगे नई तारीख रकम करेंगे और सीरीज को कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा इस अजीम सीरीज की कहानी की तरफ आते हैं तो यह सुल्तान याहूसलीम की जिंदगी के बहुत से दिलचस्प पहलुओं को बयान करेगा सुल्तान याहूसलीम अवल सल्तनतमानिया का नवा सुल्तान था उन्हें हादिमसुफेरिन का खिताब भी दिया गया क्योंकि इनके दौर में ही मिस्र में सल्तनत का खात्मा हुआ और हिजाज मुकद्दस की मेज़बानी उस्मानियों के हिस्से में आई थी बल्कि इनके दौर में सियासी मसायल भी मसायलिए होंगे साथ ही महल में उनकी जिंदगी और उनके निजी मामला को भी देखा जाएगा सुल्तान सलीम के दौर में सल्तनत सल्तनतमिया अपने उरूज का मुशाहिदा कर रही थी लिहाजा इस शानदार दौर की अक्सबंदी इस सिलसिले को एक शाहकार बना सकती है जो सदियों तक याद रखी जाएगी इस सीरीज के बारे में नाजरी कराम आपका क्या ख्याल है क्या आप भी चंगेज जोशकन के दीवाने हैं और उसे जल्द स्क्रीन पर देखना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज नाजरीन कराम हम आप सबको अपने YouTube चैनल JSK TV पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे नाजरीन कराम आज की वीडियो में हम नई आने वाली तारीखी सीरीज याहू सुल्तान सलीम के बारे में बात करेंगे याहू सुल्तान सलीम सीरीज भी तुर्क सीरीज की दौड़ में शिरकत करने के लिए क्या तैयार है यह सीरीज शाइकिन के लिए कब पेश की जाएगी क्या इस सीरीज की शूटिंग हो चुकी है इस अजीम सीरीज की कास्ट में कौन कौन से अहम नाम शामिल है? क्या इस सिलसिले की जलकियां भी पेश की गई सीरीज में कौन से मशहूर तुर्क अदाकार नजर आएंगे यह सीरीज शायकेंगे की किस बड़ी मांग का नतीजा है सीरीज में हीरोइन का किरदार कौन अदा करेगा क्या यह सीरीज दिलिश अख्तौरल में दो मशहूर किरदारों बामसी साहब और तुर्गत बे के किरदारों को पेश करके पूरी रोशनी हासिल करेगी सीरीज के कितने सीजन होंगे और कहानी पर भी नज़र आएंगी और कहानी पर भी नज़र डालेंगे इसके अलावा और बहुत सी अहम मालूम आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे तो इसलिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल जी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तारीखी सीरीज याहू सुल्तान सलीम की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम एपिसोड्स आपको बरवक मिलते रहे नजीन कराम किस तरह तुर्क सीरीज ने बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली ये हैरत की बात नहीं है इस तारीखी सीरीज को शायकें की जानिब से खूब पजराई मिली लेकिन तुर्क सीरीज दिल्लीस अरतगल से शुरू होने वाला यह रुझान हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ रहा है तारीखी सीरीज ने शायक को पूरी तरह महसूर कर दिया बिलाशिबा दिलेश अतौरल सीरीज़ को ख़त्म हुए कुछ अरसा हुआ है और इसके बाद कई शानदार तारीखी सीरीज ने शायक को महसूर कर दिया लेकिन वह फिर भी दिलेश अतौरल के किरदार को नहीं भूल सकते यही वजह है इन किरदारों की मकबूलियत और मदाहों की डिमांड के इन अदाकारों को तारीखी किरदारों के रूप में दोबारा पर्दे पर लाया जा रहा है जिसे शायक बहुत पसंद करते हैं अरतरल के बाद दिल्ली सरतरल का एक और बड़ा मकबूल किरदार बे है, जिसे मदाहुं की बेपनाह मोहब्बत को जानते हुए चंगेज जोशकन इसे कबल में उन्हें एक हजार इकहत्तर में सुल्तान परसलान का किरदार अदा कर चुके हैं जो साइकिन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे अब एक बड़ी खबर फैल गई है के चंगे जोशकन को एक नए सीरीज याऊ सुल्तान में मरकजी किरदार के तौर पर कास्ट किया गया है यानी वो सुल्तान याहू सलीम की जिंदगी पर बनी सीरीज में यानी वो सुल्तान याहू सलीम की जिंदगी पर मबनी सीरीज में सुल्तान का किरदार अदा करेंगे इन खबरों ने शायक के दिलों में छुपे जज्बात को जगा दिया याहू सुल्तान सलीम की जिंदगी पर मबनी यह सीरीज सल्तनत अस्मानिया की तारीख और शाहकार होगा लेकिन इस सीरीज में शायक की दिलचस्पी की बुनियादी वजह चंगेज जोशकन है नजरिन उस्मानी तारीख पर मबनी सीरीज हमेशा सबको दीवाना बनाने में कामयाब रहे हैं चंगेज जोशकन जिसनेजोशन जिसने अल, जिसने अल सलाम के किरदार में सबके दिल जीत लिए बहसीत सुल्तान इसमें कोई शक नहीं कि वो किस तरह सबको अपना वसी बनाएगा शाइन की नजरें अब इस सीरीज पर लगी हुई है और ये एक अजीम तारीखी सिलसिले में वो सिलसिला है जिसका आगाज से पहले खूब चर्चा है और शायक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिस दिन से इस सीरीज पर काम करने और चंगे जोशकन की शमूलियत का ऐलान किया गया था शायक की खबरों पर गहरी नजर रखे हुए है लेकिन हैरान बात यह है कि सीरीज की मनसूबा बंदी काफी अरसे से जारी है लेकिन शाइन उन्हें स्क्रीन पर देखने से महरूम है दरहकीकत इसका काम रोक दिया ग... हकीकत उसका काम रोक दिया गया था सीरीज की कास्ट की बात करें तो इस पर भी ज्यादा काम नहीं हो सका अब तक सीरियल के हीरो सुल्तान याहू सलीम के किरदार के लिए सिर्फ चंगेज जोशकन को कास्ट किया गया और हीरोइन के तौर पर हजल फिलिस का नाम सामने आया जो सुल्तान याहू सलीम की अहलिया मलका हफ्सा सुल्तान का किरदार अदा करेंगी इससे कबल वह मेहमत इससे कमल वो मेहमद बैर सयान फतिया में मेलिकी के किरदार में नजर आई थी चंगेज जोशकन और हजल फेलिस के बाद खास में कोई खास तरक्की नहीं हुई हां लेकिन यह खबरें जरूर गर्दिश कर रही थी कि दिलेश अतरुल सीरीज में बामसी बे का किरदार अदा करने वाले नूरुद्दीन सोमी सीरीज का हिस्सा बन गए हैं और यह कि वो विलन का किरदार अदा करेगा तहम सीरीज की टीम की जानब से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया नूरुद्द नूरुद्दीन सोमीज इन अफाहों को गर्दिश करने के लिए बाबा तौर पर इन जल्कि से मुंसलिक है जिसमें चंगेज जोशकन और नूरुद्दीन सोमीज को वारियर कहा जा रहा है इस सारी कहानी की असल हकीकत क्या है इतफ़ाक से नूरुद्दीन सोमीज सीरीज की कास्ट का हिस्सा है और चंगेज जोशकन के मुकाबले नजर आएंगे इन सवाल ने मद्दाहों को उलझन में डाल दिया है नजर कराम इस सीरीज के कितने सीजन होंगे और शूटिंग का क्या होगा इस बारे में तफसी आपसे शेयर करेंगे लेकिन पहले नूरुद्दीन सोमिस लेकर आपके जहन में मौजूदा उलझन को दूर करे इसमें कोई शक नहीं कि चंगेज जोशकन और नूरुद्दीन सोमिस की जोड़ी स्क्रीन को तबाह कर सकती है लेकिन जो जलकिया इस सीरीज से में मन... लेकिन जो जलकिया इस सीरीज से मनसूब की जा रही है उसका इस सीरीज से कोई ताल्लुक नहीं दरहकीकत पाकिस्तान में मकबूलियत के बाद इस सीरीज के कई अदाकार पाकिस्तानी के साथ काम करते नजर आए और फिर चंगे जोशकन और नुरुदी सोमीज ने चुनेद जमशेद के इश्हारा में काम किया जिस पर मुख्तलिफ खबरें आने लगी कि यह आबू सल्तान की जलकिया है ऐसा कहने की वजह यह थी कि इन दोनों को इन जलकियों में जंगजों के किरदार में दिखाया गया था नजरीन कराम लेकिन याद रखे कि इन जलकियों का नजरीन कराम लेकिन याद कि इन जल्दियों का सुल्तान याहुल सलीम सीरीज से कोई ताल्लुक नहीं है इसकी वजह यह है कि इस वक्त सीरीज की शूटिंग के मुसलसल ताखिर का शिकार है सबसे पहले आलमी वबा की वजह से शूटिंग में तखीर हुई और फिर मामला खुद कास्टिंग के साथ आगे नहीं बढ़ रहे बताया गया है कि इस सीरीज की शूटिंग अमासिया शहर में की जाएगी ये सुल्तान याहू सलीम के पैदाइश का शहर है जहा से शूटिंग शुरू होगी लेकिन अफसोसनाक बात यह है यह शूटिंग किसी खास मरहले में दाखिल ना हो सकी इससे पहले यह तजवीज़ किया जा रहा था कि यह सीरीज दो हजार बाईस के आखिर में स्क्रीनों पर आएगी जबकि अब कई अहम जरा के मुताबिक ये सीरीज दो हजार तेईस में सैना यह सीरीज दो हजार तेईस में सैनमागरों की जीनत बन सकती है इस सीरीज को बिलालों ने इस सीरीज को बिलाल कलों ने प्रोड्यूस किया है जिसने पहले चंगेज जोशकन के साथ काम किया था क्योंकि वो मलाजगीत एक अजाई कत्तर के प्रोड्यूसर भी थे जिसमें सुल्तान अलपसलान का किरदार जंगेज जोशकन ने अदा किया था इस सीरीज की कहानी पर भी आएंगे लेकिन बात करते हैं पहले सीजन के कितने लेकिन पहले बात करते हैं कि इस सीरीज के कितने सीजन होंगे नजरीन कराम अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरीज के तीन सीजन में 40 अकसात होंगे इस बारे में अभी पेशनगोया की जा रही है के चंगेज जोशकन इस सीरीज में भी अपने शानदार किरदार से नई तारीख रकम करेंगे और सीरीज को कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा इस अजीम सीरीज की कहानी की तरफ आते हैं तो ये सुल्तान सलीम की ज़िंदगी के बहुत से दिलचस्प पहलुओं को बयान करेगा सुल्तान सलीम अवल सल्तनतमान का नवा सुल्तान था उन्हें सुफेरीन का खिताब भी दिया गया क्योंकि इनके दौर में ही मिस्र में मवलूक सल्तनत का खात्मा हुआ और हिजाज मुक़दस की मेजबानी उस्मानियों के हिस्से में आई थी बल्कि इनके दौर में सियासी मसायल भी वाजिया होंगे साथ ही महल में उनकी जिंदगी और उनके निजी मामला को भी देखा जाएगा सुल्तान याहू सलीम के दौर में सल्तनत स्मानिया अपने उरूज का मुशाह कर रही थी लिहाजा इस शानदार दौर की अक्सबंदी इस सिलसिले को एक शाहकार बना सकती है जो सदियों तक याद रखी जाएगी इस सीरीज के बारे में नाजरीन कराम आपका क्या ख्याल है कि आप भी चंगेज जोशकन के दीवाने हैं और उसे जल्द स्क्रीन पर देखना चाहते हैं अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज